हेलो बच्चा लेट सी क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन स्टेट्स दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैश्ड ऑप्शन ए ओ टू नेगेटिव बाइडेंटेड लिगेंड ऑप्शन बी बीथाइल इथाइलिन डायमिन बाइडेंटेड लिगेंड ऑप्शन सी एस सी एन नेगेटिव मोनोडेंटेड लिगेंड ऑप्शन डी सी ओ मोनोडेंटेड लिगेंड सो बेसिकली यहाँ पे हमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है सो इफ वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज हेयर सो इट विल बी लिगेंड्स एंड अगर हम लीगेंट्स की बात करते हैं सो so बेसिकली जो लीगेंट्स होते हैं ये वो आयंस या फिर मोलिक्यूल्स होते हैं जो बेसिकली डोनेट करते हैं एटलीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बोन्ड एंड कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट का फॉर्मेशन करते हैं नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गिवन कि हमारे पास फर्स्ट ए पार्ट में हमें गिवन है एनओ टू नेगेटिव सो बेसिकली अगर हम एनओ टू नेगेटिव की बात करें सो so इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं सो so एन Here it will be double bonded oxygen and here it will be O negative and yahan से ये जो oxygen के ऊपर lone pairs होंगे उससे ये metal के साथ बनाता है अपने lone pairs donate करके यहाँ पर coordinate बोर्ड सो बेसिकली यहाँ पर ऑक्सीजन ने coordinate बना बोन बनाया इसका एक और वे हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है डेट इज डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हेयर ओ नेगेटिव एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स हैं वो डोनेट हो और मेटल के साथ कोऑर्डिनेशन बोन बनाए कोऑर्डिनेट बोन बनाए सो so बेसिकली ये दो केस हो सकते हैं अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि जो ये लीगेंट्स होते हैं इनकी यहाँ पर होती है डेंटिसिटी दैट इज डेंटिसिटी यानी कि डेंटिसिटी का मतलब है कि जो नंबर ऑफ डोनर साइट्स कितनी है यानी कि कौन से वो आयंस और मॉलिक्यूल है या फिर कौन सा वो स्पीशीज है उस आयन और मॉलिक्यूल के अंदर जहां से हमारी डोनेशन हो सकती है जैसे अगर इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे दो डोनेटिंग साइट्स है यानी कि एक ऑक्सीजन के थ्रू हो सकता है एंड एक हमारा हो सकता है नाइट्रोजन के थ्रू तो उस बेसिस पे हम डेंटिसिटी को डिफाइन करते हैं सो so, यहाँ पर एज वी कैन सी दो डोनेटिंग साइट्स है बट उसके अकॉर्डिंग यहां पर इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट नहीं बोलेंगे बाइडेंटेट जब हम बोलेंगे जब दोनों की दोनों अगर दो डोनेटिंग साइड्स है वो दोनों एक साथ अपने कोऑर्डिनेट बोर्ड बना रहे हैं है, मेटल साथ लेकिन यहां पर ये है हमारा एम्बीडेंटेट जो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं वो बेसिकली उनके अंदर दो डोनेटिंग साइड्स होती हैं बट दोनों एक साथ डोनेट नहीं करती वन एट अ टाइम डोनेट करते हैं वन एट अ टाइम यानी कि अगर ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेट बोन बन रहा है तो सिर्फ ऑक्सीजन से बनेगा उस टाइम पे नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा और अगर नाइट्रोजन से बन रहा है तो उस टाइम पे सिर्फ नाइट्रोजन से बनेगा ऑक्सीजन नहीं बना पाएगा तो इस तरह के लीगेंट्स को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लीगेंट्स और फ्रॉम हेयर वी कैन से डेट ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट क्योंकि जो एनओ टू नेगेटिव है वो बाइडेंटेट लीगेंट नहीं है नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सो हमारे पास नेक्स्ट में है नंबर टू डेट इज इथाइलिन इथाइलिन डाइमीन सो इथाइलिन डाइमीन के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं सो इट इज एन एच टू यहां पे लोन पेयर्स होंगे इट विल बी सी एच टू सी एच टू एंड देन इट विल बी एन एच बेसिकली so अगर हम मेटल की बात करें तो ये वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा एंड ये वाला नाइट्रोजन भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा डेट मींस दो नाइट्रोजन एक टाइम पे बॉन्ड बना रहे हैं मेटल के साथ यानी कि इसकी डेंटिसिटी टू हो जाएगी डेट मीन्स इट इज अ बाइडेंटेट लीगेंट सो ये करेक्ट मैच है नाउ इफ यू टॉक अबाउट एस सी एन नेगेटिव सी एन नेगेटिव। सो एन नेगेटिव में अगर हम बात करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनाता है एक बार तो सल्फर से बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद मेटल एंड एक बार बनता है जो कि एन सी एस जो कि नाइट्रोजन से बन सकता है मेटल के साथ यहाँ पर नेगेटिव नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली दो यहाँ पर दो डोनेटिंग साइट्स हैं तो डेंसिटी टू होनी चाहिए थी लेकिन डेंसिटी जब जब हम मानते ये दोनों एक साथ डोनेट कर रहे होते यानी कि अगर सल्फर डोनेशन करके हम कोऑर्डिनेट बोर्ड बना रहा है तो उस टाइम पे नाइट्रोजन नहीं बनाएगा अगर नाइट्रोजन बना रहा है तो सल्फर नहीं बनाएगा तो इस केस वाले लिगेंड्स को हम क्या बोलते थे एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एम्बीडेंटिट लिगेंड्स और अ मोनोडेंटेट लीगन सो इट इज ऑल्सो अ मोनोडेंटेट लीगन बिकॉज जब भी हम कहीं पे किसी कंपाउंड के अंदर ऐसी बॉन्डिंग देखेंगे तो हमें सिर्फ एक शो होगी यानी कि या तो सल्फर से हो रही होगी तो हमें नाइट्रोजन से शो नहीं होगी तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि वो मोनोडेंटेट लीगेंड है दो इसके अंदर दो डोनेटिंग साइड्स है तो एम्बीडेंटेड हम बोलेंगे लेकिन वैसे तो ये मोनोडेंटेट है क्योंकि हम एक ही देखेंगे कहीं पर भी बोन बना हुआ कोऑर्डिनेट बोन बना हुआ नाउ नेक्स्ट इज सीओ नाउ सीओ की अगर हम बात करते हैं सो so, इसकी बॉन्डिंग दो तरह से होती है एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होती है और एक पाई बॉन्डिंग होती है सो तो बेसिकली है तो ये मोनोडेंटेट लीगेंड, बट इसकी अगर बॉन्डिंग की बात करें सो सी ट्रिपल बॉन्ड ओ एंड यहां पर लोन पेयर्स है यहां पर भी तो ये मेटल के साथ बनाएगा एक तो बॉन्ड जो कि होगा यहां पर सिग्मा बोन्ड। उसके अलावा इसके अंदर ये सिग्मा बोन्ड है इसके अलावा इसके अंदर एक पाई बॉन्डिंग भी होती है पाई बॉन्डिंग में क्या होता है दिस विल बी लाइक मेटल एंड यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस विल बी लाइक दिस यहां पर ऐसे एंड ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से एंड यहां पर ये यह हो जाएगा ऐसे एंड दिस विल यहां पर प्रेजेंट है हमारा तो बेसिकली ये क्या है ये फील्ड मेटल टी टू जी है और यहां से जब हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा हेयर सो इट इज पाई स्टार दैट इज एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ द लीगेंट, so, ये हो गई यहाँ पर पाई बोन्डिंग सो बेसिकली दो ये सिग्मा और पाई बोन्ड्स बना रहा है लेकिन है तो ये मोनोडेंटेड लीगेंट क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बन के थ्रू ही इसका बोन्ड्स बन रहे हैं सो so, यानी कि इसकी डेंटिसिटी वन है सो फ्रॉम हेयर वी कैन से डैट मोनोडेंटेड लीगेंट so क्योंकि सिर्फ एक ही एटम एट अ टाइम बाइंड यहाँ पर डेंटिसिटी वन होगी और सिर्फ ए की थ्रू या तो ऑक्सीजन के थ्रू या नाइट्रोजन के थ्रू कॉर्डिनेट बॉन्ड बनेगा आई होप यू अंडरस्टूड द सोल्यूशन ऑल द वेरी बेस्ट